हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेट, देखिए अभी तक तो हम लोगों ने कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सारे लेक्चर्स हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत होती है, इसका क्या एडवांटेज होता है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, हम लोग जो सबसे पहले शुरू करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है। ये कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि इसको आप कह सकते हैं कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स और कंप्यूटर लाइक डिवाइसेस कनेक्टेड टू शेयर द रिसोर्सेज लाइक फाइल, प्रिंटर, सर्विसेज एट्सेट्रा। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि एक कंप्यूटर यहाँ पे है हमारा, एक यहाँ पे है, एक ये है, एक ये है, और केवल कंप्यूटर नहीं, हमने कहा एक यहाँ हमारा ये प्रिंटर है रखा हुआ, समझ रहे हैं। और हमने कहा से सपोज कीजिए एक और हमारा ये स्कैनर रखा हुआ है, स्कैनर, ये हो गया हमारा प्रिंटर, और ये हमारे जो है कंप्यूटर है से C1, C2, C3 और C4। ठीक, तो ये सारी जो डिवाइसेस हैं तो ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर लाइक डिवाइसेस, और ये डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती है। अब कनेक्शन दो तरह के होते हैं, वायर्ड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग वायर के हिसाब से, वायर से आपको बात करते हैं कि मान लीजिए ये डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से हमने कहा वायर के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, तो इन्होंने एक ग्रुप बना दिया, आपस में एक दूसरे से जुड़ गई है। ठीक है, तो इस तरह का जो ग्रुप होता है जिसमें कंप्यूटर या कंप्यूटर की तरह की डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ये कहलाता है क्या, कंप्यूटर नेटवर्क। सो दिस टाइप ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम टिपिकली बात करें तो एक कंप्यूटर नेटवर्क में वर्क स्टेशन होता है। ठीक है, उसके बाद ए टिपिकल नेटवर्क कंटेन्स यूजर्स वर्किंग एट वर्क स्टेशन, उसके बाद रनिंग क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो एक्सपी एंड स्टोर दियर फाइल्स ऑन ए सेंट्रल सर्वर। मतलब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सपोज कीजिए जैसे अगर हम एक टिपिकल कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, एक टिपिकल कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है ना, तो इसका सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है, आप सब लोग जिससे वाकिफ होंगे, आप लोग जानते होंगे कि बैंक जो है आप सब लोग गए होंगे, ठीक है ना, या पोस्ट ऑफिस, अब तो कंप्यूटराइजेशन हर जगह है। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ से वहाँ, जैसे हम बैंक की बात करें, कई काउंटर पे ये जो है जो भी बैंक के एम्प्लाई हैं वो अपना कंप्यूटर लेके बैठे रहते हैं। ठीक, अब ये जो दिन भर जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है ये एम्प्लाई, ठीक है, जो भी हम एम्प्लाई क्या, हम इसको एक से मान लीजिए काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2, काउंटर नंबर 3 और काउंटर नंबर 4 हमने कर दिया। ठीक है, अब दिन भर इस पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है इस काउंटर पे, या दिन भर इस पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, या दिन भर जिस इस पे हो रहा है या इस पे हो रहा है, अब शाम को जब ऑफ करेंगे आप, तो ये पहली बात तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ठीक, और ये सब जो भी डाटा का आदान प्रदान करते हैं वो सारा एक सेंट्रल सर्वर होता है। ऐसे समझ लीजिए कि सारा डाटा इसको आप कह लीजिए से सर्वर। ठीक, और ये हो गए हमारे वर्क स्टेशन जिसपे यूजर बैठे रहते हैं जो काम करते हैं कंप्यूटर पे, और ये सारे कनेक्टेड होते हैं, ये सारे वर्क स्टेशन कनेक्टेड होते हैं इससे सर्वर से। ऐसे तो दिन भर जो भी ट्रांजेक्शन काउंटर नंबर 1 से हो रहा है वो यहाँ स्टोर हो रहा है, 2 से जो हो रहा है वो यहाँ स्टोर हो रहा है, 3 से जो हो रहा है वो यहाँ स्टोर हो रहा है, 4 से जो हो रहा है वो यहाँ स्टोर हो रहा है। यानी कि जो भी डाटा स्टोर होता है दिन भर के ऑपरेशन के बाद वो एक सेंट्रल जगह स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड सर्वर। तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि एक टिपिकल कंप्यूटर नेटवर्क में वर्क स्टेशन होते हैं, सर्वर होता है, और ये आपस में जो कनेक्टेड होते हैं, तो जो हार्डवेयर कनेक्शन है वो तो तार वार आपने समझ लिया, और ये जो डाटा का आदान प्रदान कर रहे हैं सर्वर से, एज वेल एज ये आपस में भी जुड़े हुए हैं, तो ये सारी नेटवर्किंग होती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, वन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रनिंग
ऑन दिस नेटवर्क, ठीक है। जैसे आपका विंडोज एक्सपी वगैरह इस तरह के जो नेटवर्किंग वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। तो मोटा मोटा कंप्यूटर नेटवर्क में तीन चीजें हो गई, वर्क स्टेशन हो गया, सेंट्रल सर्वर हो गया, और तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये तीनों मिलके एक तरह से एक टिपिकल कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कि साहब इसमें कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, व्हाट इज द नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की हमको जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क की हमको जरूरत ये पड़ती है कि कंप्यूटर नेटवर्क हेल्प्स यूजर ऑन द नेटवर्क टू शेयर द रिसोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टू शेयर द रिसोर्सेस एंड इन कम्युनिकेशन। तो शेयर द रिसोर्सेस में फायदा ये हुआ कि देखिए, जैसे अभी हमने जो डायग्राम बनाया था, मान लीजिए कंप्यूटर में हमारे पास ये चार, हमारे पास वर्क स्टेशन है या चार कंप्यूटर है जिसमें लोग काम कर रहे हैं। अब इसको भी कुछ प्रिंट आउट की जरूरत पड़ती है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो अगर ये आपस में कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, इसके लिए एक अलग प्रिंटर, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। अभी क्या होगा कि अगर ये आपस में नेटवर्क में जुड़े हुए हैं और उसी नेटवर्क में हमने एक यहाँ पे प्रिंटर लगा दिया है, प्रिंटर, ठीक, और इस प्रिंटर से ये प्रिंटर भी ऐसे नेटवर्क के अंदर आ गया। अब क्या होगा कि ये जो यूजर वन है हमारा, यूजर वन, ये मान लीजिए यूजर टू, यूजर थ्री, यूजर फोर, अब ये चारों यूजर जो है इस प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं शेयर द रिसोर्सेज। अब मतलब दिस वन प्रिंटर कैन सर्व टू ऑल दीज फोर यूजर्स, ये फायदा हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरा फायदा ये होता है कि मान लीजिए यूजर फोर के पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई लेटर है, वो उसको यूजर वन को देना है। तो एक तो तरीका ये है कि यूजर फोर उसका प्रिंट आउट निकालेगा कागज पे और तब इसको देगा ऐसे। दूसरा तरीका क्या है, चूंकि ये आपस में नेटवर्क में है, ये कनेक्टेड है, तो यूजर फोर उसको टेक्निकली ही, इलेक्ट्रॉनिकली ही वो डॉक्यूमेंट इसको ट्रांसफर कर देगा। या कोई डॉक्यूमेंट इसको यूजर थ्री को भेजना है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली ही उस डॉक्यूमेंट्स को यूजर थ्री को भेज देगा। तो ये हो गया, एक तो शेयर द रिसोर्सेज में फायदा होता है, दूसरा आपस में कम्युनिकेशन करने में फायदा होता है। तो ये यूज है, ये जरूरत है कंप्यूटर नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। दिस इज द नीड फॉर ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। इसके अलावा एक तो मान लीजिए हमने आपको पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि फैसिलिटेट कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो वो इसे कम्युनिकेशन में ही आ गया। अब कम्युनिकेशन में भी देखिए कई चीजें आती हैं, तो अगर इसको हम सीधा सीधा ये हम लिखें कि साहब इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में पहला तो जो अभी हमने आपको ये बताया था कि पहला तो हो गया फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, फैसिलिटेट कम्युनिकेशंस। सेकंड हो गया आपका इट परमिट शेयरिंग ऑफ फाइल्स, वही जो हमने कह रहे थे ना कि एक डॉक्यूमेंट इसको भेजना है, तो दैट इज कॉल्ड कि इट परमिट शेयरिंग ऑफ फाइल्स, शेयरिंग ऑफ फाइल्स कॉमा डाटा एंड अदर इंफॉर्मेशन। मतलब जो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, वो आपस में फाइल्स की भी शेयरिंग कर सकते हैं, डाटा की भी और किसी भी इंफॉर्मेशन की, ठीक। उसके बाद पहला ये हो गया, दूसरा हो गया शेयर द रिसोर्सेज, हम लोग पढ़ ही चुके हैं। मान लीजिए इसको हम दोबारा लिखते हैं कि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, ये हो गया एडवांटेज। उसके बाद चौथा एडवांटेज हो गया कि ये कंप्यूटर नेटवर्क में रहने से
कॉस्ट रिड्यूस होती है। कॉस्ट भाई, जैसे कॉस्ट क्यों रिड्यूस होगी, यहाँ पे भी आपने देखा ना कि चार यूजर के लिए आपको चार अलग अलग प्रिंटर की जरूरत पड़ती है अगर ये नेटवर्क में ना होते। ऐसे क्या है कि चार यूजर का काम एक ही प्रिंटर से चल जा रहा है, तो जो कॉस्टिंग है वो काफी रिड्यूस हो जाती है। और पांचवा क्या है, पांचवा है सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। सिक्योरिटी में क्या होता है कि इट कैन बी मैनेज सिक्योरिटी ऑफ फाइल्स एंड डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेटवर्क प्रोवाइड्स बेटर सर्विसेज टू सिक्योर आवर इम्पॉर्टेंट फाइल एंड डेटा, वाइल इन पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल डेटा एंड फाइल्स कैन बी सिक्योर्ड एट इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सिक्योरिटी लेवल जो है ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। क्यों भाई? इसलिए कि मान लीजिए ये, जैसे हमने कहा कि सपोज कीजिए ये नेटवर्क में नहीं है, तो इस यूज़र को अपने कंप्यूटर को सिक्योर रखने का इंजाम करना होगा, इसको अपने करना होगा, इसको अपने करना होगा, इसको अपने करना होगा, और कौन स्ट्रांग अरेंजमेंट करता है, कौन हल्का अरेंजमेंट करता है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर ये चारों आपस में कंप्यूटर नेटवर्क में हैं, और तो उसकी सिक्योरिटी आप एनहेंस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यूजर उसमें एक्सेस को, ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्सेस को आपने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि जो ये ऑथराइज्ड यूजर हैं इनके अलावा कोई लॉगिन ही नहीं कर पाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर किसी ने कंप्यूटर ऑन भी कर लिया और जब वो यूजर पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड सही नहीं दे पा रहा है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम रन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह की डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटीज आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सारे कंप्यूटर के लिए अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करते हैं। और इंडिविजुअली करेंगे तो उतनी हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो बेसिक है कंप्यूटर नेटवर्क का और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बारे में कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ आपको पूछना है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।